सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल बोल का, आर्क डू और डाई का। और आज का आर्क डू और डाई का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जोड़े बंदे होंगे चैनल पे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट या किसी भी मोबाइल एपीसी बनाने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको निट्राडो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग बना सकते हो। तो निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर चेकआउट कर लेना। सांता क्लॉज बेड़ा मस्ती नहीं, सांता क्लॉज अंकल जी क्या कर रहे हो, काय कू कर रहा है भाई फालतू में। ए रुको, कैसे आप कुछ सोल्स वगैरह डाली हुई है ना, वो सबसे पहले तो बाप रे पूरा एक दिन गाइस यहां पे मैं गेम में आया नहीं, तो देख रहे हो कितनी ज्यादा सोल जमा हो चुकी है भाई, कुछ ज्यादा ही सोल हो गई। रुको, ये डीएनए भी मैं इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ से फटाफट से, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा डीएनए वगैरह कैसे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ना, उसको मैं फेंक देता हूँ, ठीक है। रुको, इसको टर्न ऑफ कर लूँ पहले, हाइड वगैरह भी उठा लेता हूँ। रुको, हाइड तो ज्यादा नहीं हुआ होगा आई थिंक से, हाइड और ये ब्लड, ठीक है। एंड आज के इस वाले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गाइस हम लोग हमारा जो गीका, अरे सांता अंकल जी भाई बात तो पूरी करने दो, कितना हंसे हो यार बीच बीच में भाई, सांता क्लॉज कुछ ज्यादा ही असर है यार बीच बीच में। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग जो ना गाइस आज के इस वाले एपिसोड में अगर हमारे पास सारे डीएनए और सारी सोल्स अवेलेबल है, तो हम लोग ने गीगा का आपको बताओ होगा एक्सलेटेड वाला वेरिएंट जो है ना गाइस वो निकाला था। तो मैं सोच रहा हूँ कि गीगा का जो अगला टॉक्सिक वाला वेरियंट है, जो काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक वाला वेरियंट है, क्यों ना उसको भी गाइस हम लोग यहाँ पे निकाले, मतलब उसका इवोल्यूशन करे गीगा का आज के इस एपिसोड में। बस हमारे पास सारी सोल्स वगैरह जो ना गाइस होनी चाहिए। पहले तो मेरे पास जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सोल और एक्स्ट्रा डीएनए पड़ा हुआ है ना, उसको मुझे भाई फेंकने दो। डीएनए 100 100 एक तो नहीं है ना कहीं पे, 100 100 है। ये डीएनए सारा फेंकूंगा मैं, एक ही इसका डीएनए ना, या फिर मेरे पास और कुछ एक्स्ट्रा डीएनए पड़ा हुआ था ये भी पता नहीं मुझे। चलो ये सारा डीएनए जो है ना गाइस मैं यहाँ पे फालतू में, हाँ जो एक्स्ट्रा बना हुआ था वो फेंक देता हूँ, उसके बाद हम लोग हमारा आगे का काम जो है चालू कर देंगे। सोल 100 100 100 100, ओके ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई, सोल डायरेक्टली ऐसे ड्रॉप कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी सोल बॉल्स है वो भी कहीं यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी, सो इसलिए ऐसे रैंडमली कहीं इनको ड्रॉप करता हूँ। देखते हैं कितना ज़्यादा बड़ा पहाड़ जो है ना कहीं यहाँ पे वो खड़ा हो जाता है इतनी सारी सोल जो है ना कहीं ड्रॉप करने के बाद, ठीक है। यार अभी तक मेरे इन्वेंट्री की जो सोल है वही ख़त्म नहीं हुई है। चलो सारी की सारी सोल जो है हम लोग यहाँ पे ऐसे फेंक देंगे आराम से, इसके बाद गाइस यहाँ पे जितनी सोल है वो सारी फेंकेंगे। बाप रे बाप, अरे बाबा कुछ ज्यादा ही जड़ा गई सोल यहाँ पे फार्म हो गई थी भाई, पूरा का पूरा बेस भर जाएगा लग रहा है गाइस इस कचरे से। वैसे 2 मिनट में कचरा साफ हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। भाई भाई मैं पूरे कचरे के ढेर के अंदर समा जा चुका हूँ भाई, इतना बड़ा कचरे का ढेर हो चुका है ना, मेरे से भी ज्यादा बड़ा कचरे का ढेर हो चुका है यहाँ पे हाइट के मामले में। चलो सारी की सारी जो फालतू की सोल यहाँ पे थी एक्स्ट्रा बनी हुई, सारी की सारी हम लोग ने, गेम क्रैश ना हो जाए भाई, सारी फेंक दिए। बाबा रे बाबा, ये देखो भाई, ये देखो पूरा अंदर गाइस, ये देखो नीचे बैठूंगा ना तो पूरा अंदर इसके भाई वो हो चुका हूँ मैं, ठीक है, डूब चुका हूँ इसलिए इतने ज्यादा कचरे के अंदर। चलो ये गायब हो जाएगा थोड़े टाइम में कचरा। अभी बात करते हैं हमारे गीगा के इवोल्यूशन की, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस हमारा एक्सलेटेड वाला गीगा जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मेरा जो इंडोमेस रेक से ना, उस इंडोमेस रेक से ज्यादा पसंद जो है गाइस मुझे अपना ये वाला गीगा है, ठीक है। दिखने में एक नंबर है, डैमेज भी इसका काफी ज्यादा बढ़िया वाला है, और इसी को इवॉल्व करने वाला हूँ मैं टॉक्सिक वाले गीगा में। फिर हमारे पास सारे टॉक्सिक वाले डायनो जो है गाइस वो हो जाएंगे, मतलब वाइब्रेंट को छोड़ के बाकी जितने भी डायनोज है हमारे पास सारे टॉक्सिक वाले होंगे। देखते हैं, चलो एक्सलेटेड में अगर मैं गीगा को डालता हूँ यहाँ पे और इसका इवोल्यूशन निकालना है, वॉट सारी सोल मेरे पास पड़ी हुई है पहले से, टॉक्सिक गीगा की सोल चाहिए थी, टॉक्सिक रेक्स और टॉक्सिक थेरी, सारी सोल पड़ी हुई है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो गाइस, हम लोग हमारे गीगा का अभी यहाँ पे इवोल्यूशन निकाल सकते हैं, बट पहले मुझे उसका सैडल बनाने दो, मजाक थोड़ी है। पर रुको, इसके लिए अल्फा गीगा का अंडा चाहिए होगा, कोई खतरनाक यार, वेरी वेरी डेंजरस। गीगा के अंडे कहाँ पे रखे मैंने, गीगा, अरे फिगा नहीं, गीगा गीगा, ओके ये रहा गीगा का, अल्फा गीगा फर्टिलाइज एक चाहिए होगा। रुको ये फर्टिलाइज वाला एक जो है ना गाइस मैं यहाँ पे डालता हूँ और इसका सैडल बना लेता हूँ टॉक्सिक वाला, भाई टॉक्सिक गीगा बनेगा डायरेक्टली गाइस, टॉक्सिक गीगा काफी खतरनाक होगा भाई टॉक्सिक गीगा। ये रहा उसका सैडल,
ये बन गया टॉक्सिक गीगा का सैडल गाइस। ठीक है, टॉक्सिक के आगे हम लोग ने अभी तक कोई भी इवोल्यूशन निकाला नहीं है। ठीक है, टॉक्सिक जो है ना फाइनल इवोल्यूशन है, बट मैं निकालूंगा भाई कुछ दिन में जो ना गाइस, टॉक्सिक के आगे वाले भी इवोल्यूशन निकलेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो हमारे इस एक्सलेटेड वाले गीगा को जो ना गाइस आखिरी बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये डायरेक्टली कन्वर्ट होने वाला है टॉक्सिक गीगा में। और क्या पता ये भी अपने मुंह से पॉइजन वगैरह छोड़े या इसके पास भी कोई स्पेशल पावर आ जाएगा इस यहाँ पे। ठीक है, आर यू रेडी? मैं इसको इवॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स दबाना है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। ठीक है, 1 2 3। ओ भाई नहीं यार, मजा नहीं आया गाइस मेरे को या आपको भी। एक्सलेटेड वाला जो गीगा था वो ये टॉक्सिक गीगा से ज्यादा अच्छा लग रहा था दिखने में, लुक वाइज बोल रहा हूँ। डैमेज तो इसका शायद से ज्यादा होगा बट दिखने में। किन किन गाइस लोगों को, अपने सब्सक्राइबर्स को ये जो टॉक्सिक गीगा है इससे ज्यादा अच्छा एक्सलेटेड गीगा लग रहा था। ये मतलब मजा नहीं आया गाइस इसको देख के ना, क्या बोलते हो यार? एक्सलेटेड वाला गीगा क्या लग रहा था खतरनाक वाला, टॉक्सिक वाला देखो भाई ना यार उतना मतलब दिखने में कूल नहीं है। डैमेज वगैरह के मामले में हो सकता है एकदम खतरनाक हो, लेकिन दिखने में उतना कूल नहीं है। एक्सलेटेड का एक्सलेटेड वाला गीगा जितना खूबसूरत दिख रहा था उतना खूबसूरत नहीं दिख रहा ये वाला गीगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते हमारे इस वाले गीगा के पास कौन कौन से अटैक्स गाइस अवेलेबल है। इसके पास एक गाइस यहाँ पे बाइट वाला अटैक और टाइम पास के लिए कर रहा है, इसका कोई डैमेज वगैरह नहीं पड़ता। सी पे कोई अटैक नहीं, एक्स पे पॉइजन बॉल, भाई ये भी पॉइजन बॉल छोड़ रहा है ना भाई लोग। ठीक है, मुझे लग रहा है टॉक्सिक वाले सारे जो डायर, मैक्सिमम सारे नहीं, मैक्सिमम डायरोज के पास ये पॉइजन बॉल फेंकने वाली जो ना गाइस एबिलिटी दी गई है। रुको, अभी मैं एक काम करता हूँ, इस गीगा को एक्सपी पोशन खिलाएंगे हम लोग। और चलो अभी भाई इसकी बराबर से मैक्स लेवल कर लूँ मैं, इसकी हेल्थ कितनी कर लूँ? हेल्थ अभी फिलहाल के लिए कितनी हेल्थ है वैसे? 180 ठीक है, 5 मिलियन। ओ एफएम के पोशन खिलाते हो ना, रुको 8 10 कर दूँ, 10 मिलियन। ठीक है, मतलब हमारा जो एक्सलेटेड गीगा था उससे ज़्यादा हेल्थ गाइस हमारे इस वाले गीगा की हो जाएगी। ठीक है, टॉक्सिक वाले गीगा की उतना भी वैसे दिखने में बुरा नहीं है यार, ठीक ठाक ही है, बट एक्सलेटेड वाला गीगा सच बोलो तो इससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसकी 10 मिलियन जो है गाइस इस वाले टॉक्सिक गीगा की मैंने हेल्थ कर दी है। बेचारा टॉक्सिक गीगा बोलेगा भाई मेरी बेइज्जती कर रहे ना गीगा, ना भाई बेइज्जती नहीं कर रहा, सच्चाई बता रही है। चलो लेट्स गो, चलते इसको लेके, मुझे इसकी बराबर से जो ना गाइस लेवल अप कर लिया है। ये रुको गाइस, इसके अंदर ट्रैकर वगैरह डाल दूं मैं, ऐसा ना हो गाइस कहीं पे जाके मैं मर जाऊं और हमारा गीगा वहां पे फंसा रहे। इस गीगा के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कराया हम लोग ने, चलो आ जाओ भाई, बहुत ज्यादा इंतजार भी कराया हम लोग ने, काफी ज्यादा बार मरा भी हूं मैं। मुझे फटाफट से इसको मैक्स लेवल का कर देना है गाइस। पिछले वाले गीगा का 4 मिलियन का समथिंग कुछ डैमेज जा रहा था, 3 मिलियन इसका, 2 मिलियन, 5 मिलियन डैमेज जाएगा मुझे लग रहा है, उससे ज्यादा की मुझे उम्मीद तो है नहीं। शायद से हमारा इंटरमेज रेक जितना डैमेज दे रहा है ना, सेम उतना ही डैमेज हमारा ये वाला गीगा भी दे। मुझे फटाफट से बस इसको जो है ना यहाँ पर लेवल अप करना है। अरे यार ये गीगा की एक ही प्रॉब्लम है, पेड़ में जो है ना, पेड़ वगैरह में कुछ ज़्यादा ही अटक जाते हैं। ठीक है, मैक्स लेवल हो गया क्या? मैक्स लेवल हो गया है, 32 पॉइंट जो है वो मुझे इसके मिली डैमेज में डालने, और इसके बाद हमारा टॉक्सिक वाला जो गीगा है वो हो जाएगा डायरेक्टली मैक्स लेवल। ठीक है, ये हो गया गाइस हमारा मैक्स लेवल का टॉक्सिक। यस, ओपी बोलती है ना मेरी भाई लोग, वापस से रोड पर। और मैं अभी जो अगली बॉस फाइट है ना एक्सलेटेड वाली, वो अपने गीगा से दौड़ा लूंगा। 4 मिलियन इंडोमेस रेक्स का कितना डैमेज है? मुझे लग रहा है ना गाइस इंडोमेस रेक्स का थोड़ा ज्यादा डैमेज है, शायद से उसका 5 मिलियन डैमेज जा रहा है। रुको मैं चेक करता हूँ, ये रहा गाइस हमारा टॉक्सिक इंडोमेस रेक्स। ठीक है भाई, हाइट के मामले में इंडोमेस रेक्स भाई गीगा से ज्यादा बड़ा है। गीगा देख रहा है देखो कैसे उसको। ठीक है, देखते हैं इसका डैमेज कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, 5 मिलियन आई थिंक, सो 1 मिलियन ज्यादा डैमेज है शायद, नहीं 4.9 मिलियन, मतलब 8-9 लाख ही ज्यादा डैमेज जा रहा है। बाकी इसकी हेल्थ कितनी थी हमारे टॉक्सिक वाले इंडोमेस रेक्स की? 10 मिलियन, 10.5, इसकी 10.3, मतलब सिमिलर है हेल्थ भाई, सिमिलर है, उतना भी ज्यादा कुछ खास डिफरेंस जो है ना हो ही नहीं यहाँ पर। ओके, 4.9 मिलियन का डैमेज हमारा इंडोमेस रेक्स दे रहा है, और हमारा जो गीगा है टॉक्सिक वाला
वो दे रहा है 4 मिलियन का डैमेज। 4 पॉइंट कितना दे रहा है रुको देखने दो, ठीक है शायद से 8 या 9 लाख का ही फर्क है, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा डैमेज का फर्क नहीं है यहाँ पे। अब देख लेता हूँ कितना कितना भाई, 4, ठीक है 4 मिलियन ही बोल सकते हो, 4 मिलियन और 33,000, ज़्यादा नहीं, 4 मिलियन ही डैमेज दे रहा है ये। चलो आ जाओ थोड़े खतरनाक से डायनेस्टी पांगा लिया जाएगा इस ये शैडो छोड़ो, ये देखो 201 मिलियन वाला टॉरपोर डाइड है यहाँ पे, 201 मिलियन और उसका टॉप आई, उसका टॉरपोर 800 मिलियन है भाई, टॉरपोर देख रहे हो 800 मिलियन टॉरपोर है उसका, और इसको बेहोश करने में 800 मिलियन टॉरपोर हमको देना पड़ेगा भाई। कल्टी मार लेता हूँ मैं, ना भाई ना ना चाहिए, एंग्लोसोरस है क्या ये यहाँ पे, और कोई दिख रहा है मुझे एक्सलेटेड वाले डायनो जो होंगे। डैम ब्रो फियर डायनो है, फियर डायनो से दूर रहना है गाइस, गलती से भी फियर डायनोस के नज़दीक नहीं जाना है। तो ये कौन सा लगी ग्रिफिन है, टॉक्सिक ग्रिफिन, ओके रहने दो गाइस। मैं आपको फियर डायनोस का एक डेमो दिखाता हूँ, खाली डेमो के लिए गाइस, डेमो के लिए। ओ शिट ये टॉक्सिक ग्लोटल कैसे दौड़े दौड़े आ रही थी, मैं अभी फियर डायनो के नज़दीक जाने वाला हूँ, डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं जैसे उसके नज़दीक, ट्रैकर है ना भाई रुको, ट्रैकर होना चाहिए गीगा के अंदर, क्योंकि एक बार मैं फियर डायनो के नज़दीक गया ना तो मेरा गेम ओवर है। कैसे मैं बताता हूँ, फियर डायनो की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि अगर हम लोग उनके नज़दीक जाते हैं तो वो हमारे अंदर ऐसा डर बैठा देते कि नज़दीक जाते ही हम लोग डायनो से नीचे उतर जाएंगे। ये देखो फियर 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 इफेक्ट से, और ना मैं सोल गन यूज कर पा रहा हूँ, कर लिया है फियर सोलगन वगैरह और दूसरी चीज है, मुश्किल से मैं सोलगन यूज कर पाया पता है। ये है गाइस फियर डायनो का जलवा, जैसे फियर डायनो के नजदीक जाएंगे एक सर्टन रेंज के हैं तो उसके जो है ना गाइस इफेक्ट के रीजन से हम लोग को जो है ना डर लग जाएगा और हम लोग जो है ना डायनो से सीधा नीचे उतर जाएंगे, और हमारा डायनो जो है वो भी स्टन हो जाएगा, वो भी कुछ भी नहीं कर पाएगा उन फियर डायनो के अगेंस्ट, और ऐसे फियर डायनो से हम लोग को बॉस फाइट लेनी है, समझ रहे हो गाइस, ऐसे फियर डायनोस से हम लोग को बॉस फाइट भी लेनी है आगे जाके। तो सोचना गाइस कितनी ज़्यादा खतरनाक बॉस फाइट होने वाली है, टॉक्सिक गीगा इंडोमेस रेक्स कुछ भी नहीं है, बच्चे है गाइस उस फियर के सामने, भले वो मैक्स स्टार वाला डायनो नहीं है बट सारे के सारे बच्चे है भाई उसके सामने। चलो आ जाओ, फियर डायनोस से बॉस फाइट लेना जो है सबसे डिफिकल्ट होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि जिसके सामने हम लोग किसी डायनो को लेके जा ही नहीं सकते, लेके गया उसके सामने किसी डायनो को तो सीधा उस डायनो को इतना फियर लगेगा कि वो मुझे ही नीचे उतार देगा और खुद स्टन हो जाएगा, वो अलग खुद अलग से स्टन हो जाएगा। सो ऐसे खतरनाक भाई डायनोस से बॉसेस से हम फ्यूचर में पंगा लेने वाले। चलो आ जाओ, अभी गीगा तो गाइस आप लोगों ने गीगा का जलवा तो गाइस यहाँ पे देख लिया कि हमारा गीगा जो है गाइस वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है देखो ईजिली गाइस यहाँ पे 4 मिलियन का डैमेज गाइस अपना गीगा जो है गाइस वो दे पा रहा है। बट मैं सोच रहा हूँ ठीक है कि गीगा का जो अगला इवोल्यूशन है वो क्यों ना निकाला जाए और इस गीगा को सबसे ज्यादा पावरफुल डायनो, अभी फिलहाल के लिए इंडोमेसर एक सबसे ज्यादा पावरफुल है बट मैं चाहता हूँ कि अपना ये जो गीगा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल डायनो जो है ना गाइज वो यहाँ पे बन जाए, इसलिए मैं सबसे पहले तो जा रहा हूँ अभी घर पे, और मैं घर पे देखना चाहूंगा कि हमारा जो गीगा है अगर उसको मुझे इवॉल्व करना है तो मुझे कौन कौन सी चीजें जो है गाइज वो चाहिए होगी। ठीक है एक काम कर लूँ क्या भाई, गीगा इवॉल्व करा है तो भाई इस एपिसोड में एक बॉस फाइट तो बनती है ना भाई, एक बॉस फाइट तो बनती है। सो चलते वहाँ पे और फटाफट से जो पुराने हमने पहले ही बॉस मार रखे ना उसमें से किसी बॉस को मारते हैं, ठीक है पुराने वाले बॉस में से किसी को मारेंगे। एक्सलेटेड में जरा देखने दो मुझे कौन कौन से बॉसेस को हम लोग ने आ रहा है, एक्सलेटेड में एक्सलेटेड बॉसेस कहाँ पे गए बॉस आइए रे, बंदरुवा को हरा दिया, ये 3 बॉसेज बचे हुए हैं। चलो आज इस बॉस को हराते हैं, फिर 2 बॉसेज को अगले एपिसोड में पेल देंगे, ये दोनों वैसे भी फ्लायर बॉसेस है इनको मारना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। चलो एक नया बॉस है कैसे हमारा उसको मार लेते हैं, ठीक है आज भाई इस बॉस की बैंड बजाऊंगा मैं अपने इस खतरनाक से टॉक्सिक गीगा से। लुक वाइज जो ना गाइस टॉक्सिक इंडोमेस रेक्स टॉक्सिक गीगा से थोड़ा सा बेटर है दिखने में, ठीक है देखना गाइस लुक वाइज है तो बेटर भाई, मानना पड़ेगा ये चीज़। आ जा भाई जल्दी स्पॉन हो जा मेरी जान भाई, जल्दी स्पॉन हो जा, ये मेरे पास सीलिंग क्वेश्चन है ना भाई, भाई 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 क्या लग रहा भाई क्या लग रहा है, एक मिनट मैंने गलती कर दी अबे बुक्के शुक्के बाद में मार ले भाई, हाँ बाद में मार ले, मैंने गेम का आज भाई कम नहीं करा था भाई, कैसा मार रहा है भाई कैसा मार रहा है भाई बेशरम
पैसा मार रहा भाई। अरे इसकी हेल्थ तो भाई 20% डाउन है। इधर आ भाई, आजा आजा आजा, घूम फिर के आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भुक्के भुक्के मार रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है गाइस, ये बॉस जोर जोर से चिल्ला रहा है भाई। ठीक है भाई, तेरे को तो इधर ही पे लूंगा भाई। गाइस क्या डाइडोस है, एक्सलेटेड वाले डाइडोस काफी खतरनाक लगते हैं, कुछ भी बोलो भाई। इनका लुक काफी ज्यादा बढ़िया होता है। ये देखो भाई, ये भाई धक्का बिक्का मार रहा है मेरे को, दूर दूर खेल रहा है यार, धक्का मार मार के दूर खेल रहा है। वैसे मरने वाला है, मरने में जमा इसके दिन भर चुके हैं गाइस। ठीक है, ऑलमोस्ट इसकी हेल्थ जो है गाइस वो डाउन है, हमारे गिगाने जो है इसकी बैंड बजा के रख दी है। गया गाइस, ये गया, अरे खत्म। ठीक है भाई, बड़ा सा ब्लास्ट हो गया और मैं भी फट गया। इससे मुझे दो अंडे मिले होंगे, देखते हैं उन दो अंडों से जना के हम लोग को कौन सा डायनो जो है गाइस वो मिलता है। ठीक है, पहले तो फटाफट से घर पे चलते हैं और अपना जो गीगा है उसको मैं बुलाऊं क्या? चलो आपको मैं उस डायनो के बॉस के दर्शन करा दूं थोड़े से। ठीक है, दिखा दो बॉस जो है जो कैसा खतरनाक सा दिखता है। ओके, फटाफट से मैं यहाँ से भाई सामान उठा लेता हूँ, गेम का हम लोग वापस से फुल करते हैं। ठीक है, चलो चलते ब्लू ऑब्लिक पे उस बॉस को देखने के लिए। ये रहा ब्लू ऑब्लिक, कपड़े शपड़े पहन लूँ। दो अंडे गाइस मुझे मिल चुके हैं, इन दो अंडों में से देखते गाइस कौन कौन से डायनो निकलते हैं। ये देखो बॉस, बॉस बेड़ा मस्ती नहीं, न्यूबू बॉस भाई। देखो ये रहा गाइस वो बॉस जिसको हम लोग ने भाई पकड़ पकड़ के धोया मस्त बेखी। ये देखना भाई, जबरदस्त तो लग रहा भाई, लग तो जबरदस्त रहा भाई। बिठा ले तेरे से, अबे तेरे से पेगो नहीं मर रहा क्या गीगा? अबे गीगा मेरे को बिठा तो, अरे बिठा ले मेरी जान, बिठा ले भाई। क्या कर रहा है भाई गीगा? ये देखो, ये रहा गाइस वो बॉस। ये बॉस का लुक भी काफी बढ़िया है भाई, इसके अंदर से भाई स्मोक निकल रहे एकदम फुल। आयरन मैन का जो आर्क रिएक्टर है वो इसने अपने छाती पे लगा रखा है गाइस, भाई दिखने में तो जबरदस्त लग रहा है। कोई स्क्रीनशॉट लेता हूं। A few moments later. चलो मस्त वे की स्क्रीनशॉट वगैरह लेके जो ना हो चुका है, और 2000 सेकंड तक का इफेक्ट जो है गाइस वो भी मेरे को लग चुका है। ये मुझे सैडल वगैरह मिले, हाँ मिल गए सैडल वगैरह जो है गाइस वो सारे के सारे मुझे मिल चुके हैं। चलो अभी चुपचाप से जो है गाइस हम लोग चलते हैं अपने घर पे, घर पे जाके जो अंडे ना गाइस उनको हैच करने का काम शुरू कर देते हैं। लेट्स गो बॉयज। चलो गाइस घर पे तो हम लोग आ चुके हैं। इफेक्ट भाई काफी ज्यादा 2000 सेकंड का लगा यार डायरेक्टली मुझे। मेरे पास दो अंडे गाइस यहाँ पे, इन दो अंडों में से देखते हैं गाइस हमको क्या मिलता है यहाँ पे। ठीक है, गीगा जो चाहिए था वो तो मिल गया। अरे गाइस ग्रिफिन भाई, देखते हैं ग्रिफिन अगर अगले एपिसोड में स्पॉन हुआ होगा ना हाई लेवल का, तो उसको भी टेम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये अंडे जो है वो यहाँ पे मुझे डालने दो। अंडर वाटर तो कोई अंडा नहीं है ना, रैंडम अल्फा एक रैंडम भाई। 400 लेवल के यार अंडे मिल रहे हैं, क्या बदतमीजी है भाई। 400 लेवल के अंडे मिल रहे खाली, क्या करेंगे यार ये 400 लेवल के अंडों का बताओ। एक मिनट में वैसे हैच हो रहे, देखते चलो गाइस इसमें से क्या निकलता है। ठीक है, ये आई थिंक से जो हमारा डोडो है ना वो इन अंडों को जो ना अपने अंदर खींच लेगा अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। 50 सेकंड ये खींच लेगा, 30 सेकंड में हाई लो खींच लिया। ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी जो ना कैसे इनको हैच कर देगा। और ये क्या हो गए भाई, हो गए डन ऑलमोस्ट भाई हैच ही हो गए समझ लो। रुक जाओ इसको डीएक्टिवेट कर लूँ भाई, बहुत हैच कर लिए अंडे। रुको, ये नॉर्मली एक मिनट में हैच होने वाला है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और मुझे किसी ने ये भी बोला कि इस गेम में 200 या 300% वाला एक इम्प्रिंटिंग पोशन है, उसको भी चेक कर लो। तो गाइस वो भी मैं चेक करने वाला हूँ। मैंने एक्चुअली में देखा था कहीं पे तो 300% इम्प्रिंट कर सकते हैं अभी हम डायनो को ना, 100% इम्प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम लोग 300% वाला इम्प्रिंटिंग पोशन बना ले तो सोच रहे हो डायनोस का डैमेज कितना जाएगा भाई, रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे सारे डायनोस भाई, रिकॉर्ड्स। मजाक नहीं हो रहा है भाई, तबाही मचा देंगे सारे डायनोसर को। वो पोशन भी हम लोग बनाने की ट्राई करेंगे। एलिगेटर और कुछ तो ऐसे एनाकोंडा यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। कैप्रोसुचस और ये क्या चीज़ है भाई, अल्फा ट्रॉपिकेंटस। ये तो वो फ्लायर है ना ट्रॉपिकेंटस, वाह ये तो फ्लायर ट्रॉपिकेंटस है क्या भाई। काम 25 हो गया, इसको बड़ा करेंगे अगले एपिसोड में तबाही बचने वाली है गाइस। ठीक है, अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अगले एपिसोड में शायद से हम लोग 300% वाला इम्प्रिंटिंग पोशन जो है वो भी बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आज का एपिसोड हमारी इस ओपी और खतरनाक से गीगा को इवॉल्व करने के साथ और बॉस की भूंगी बजाने के साथ हो जाता है ये पे कहता हूँ। मिलते सीधा गए तब से अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के आर्क डू ओर डाई के। तब तक के लिए बाय बाय। आपको हमारा टॉक्सिक वाला जो गीगा है वो कैसे लगा जरूर बताना। और एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट गाइस, कहीं नहीं जाना गाइस, मुंह से पॉइजन छोड़ने वाले अटैक का डैमेज देखा ही नहीं हमने। ये हटो रे जल्दी यहाँ से हटो भाई, मुंह से पॉइजन भी तो छोड़ रहा है गाइस हमारा गीगा।
मैंने उस वाले अटैक का डैमेज देखा ही नहीं इसका कितना जा रहा है। हाँ मेरे ऊपर सारे डायनोस एग्रो हो जाएंगे अभी क्योंकि मुझे वो इफेक्ट दिया है बॉस ने 2000 सेकंड तक। तो क्रायो करूंगा तो वो इफेक्ट हट ही जाएगा वैसे, लेकिन कोई ना, चलो पॉइजन बॉल पे कितना डैमेज जा रहा है पॉइजन बॉल है 10 का डैमेज। अरे वाह भाई वाह गाइस 10 का डैमेज जा रहा है 2000 का। ओके 2000 का डैमेज गया 2000 का। ओ कंटिन्यूस पॉइजन जो है वो 10 का पड़ेगा, और अगर मेरा पॉइजन बॉल पट्टे से हेडशॉट लगा तो गाइस यहाँ पे ये 4 मिलियन बाइट अटैक पड़ा गलती से। पट्टे से हेडशॉट लगा ना तो गाइस यहाँ पे लगभग 4-5 हज़ार का डैमेज पड़ रहा है। ज़्यादा डैमेज नहीं जा रहा गाइस पॉइजन वाले अटैक का, वैसे ज़्यादा डैमेज नहीं जा रहा, 1-2-3 हज़ार का ही डैमेज जा रहा है ठीक है। लेकिन कोई ना, हम लोग इसको और ज़्यादा इवोल्व करेंगे तो इसके पास कुछ स्पेशल अटैक जो है गाइस पावरफुल वाले स्पेशल अटैक आगे जाके आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ये गीगा काफी खतरनाक वाला बनने वाला है। बाकी आपको हमारा टॉक्सिक गीगा कैसे लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताना। मिलते सीधा आर्क 2 और 2 के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई, मिलते सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook.